हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ कंचन। और अभी चल रहा है लॉकडाउन 3। और लॉकडाउन 3 का आज हो गया चौथा दिन। तो आप सभी क्या कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन में, प्लीज जरूर बताइएगा। और मेरा इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है, क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा और एक स्पेशल डे है आज मेरे लिए। और स्पेशल डे बता देती हूँ, आज है मेरे पति परमेश्वर जी का बर्थडे। तो आज डबल सेलिब्रेशन होगा। हाँ, आज डबल सेलिब्रेशन होगा। और मेरा सारा घर का काम हो चुका है, मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। और अभी हूँ मैं किचन में, काफी टाइम हो चुके हैं। और अभी बच्चे को मुझे करवाना है ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स यहाँ रेडी रखी हूँ। ये रहा मेरा दूध कॉर्नफ्लेक्स, इसमें है दूध जो मैंने गर्म किया हुआ है। और अभी गए हैं पति देव जी दुकान दूध लाने के लिए, क्योंकि बनेगा पायस, तो उसके लिए दूध चाहिए। तो ये दूध तो है बच्चे के लिए, तो जो दूध आएगा उससे मैं बनाऊंगी पायस, क्योंकि किसी का भी बर्थडे हो तो उस दिन हमारा मीठा में पायस जरूर बनता है। और बाकी क्या कुछ बनेगा वो आगे दे आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। और आज थोड़ा थोड़ा वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो भी मैं कुछ करूंगी, और थोड़ा थोड़ा बात भी करूंगी। तो आज के वीडियो में आप बने रही है मेरे इस ब्लॉग में, काफी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दिया है, एक सेकंड रुक जाइएगा। और यहाँ पे मैंने रात के कुछ बर्तन धुले हुए रखे हैं। और यहाँ मैंने रखा है पायस बनाने के लिए चावल, ये बासमती चावल है, छोटा दाना वाला, देख सकते हैं, क्योंकि मुझे गोविंद भोग चावल यहाँ मिला नहीं। और इसमें मैंने भिगोया है उड़द दाल, तो इसको मैं बनाऊंगी शाम को। तो अभी मैं इसको और 2-3 घंटे भीगने के बाद इसे मैं पीसूंगी। और इसका क्या बनेगा चलिए आगे मैं बताऊंगी। और ये है मेरा चावल जिससे पायस बनाएंगे। और बाकी और क्या कुछ मीठा में बनेगा वो भी मैं शेयर करूंगी। तो मेरा थोड़ा बहुत किचन भी शेयर देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा दूध आ चुका है। और ये है पनीर, इन सबको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि अभी जो भी मार्केट से आ रहा है सबको वॉश करना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ मेरा वो उबल रहा है दूध, इसे मैं तो दोनों गैस स्टोव में मैंने दूध रख दिए हैं। और यहाँ में ये है किशमिश, इसे में कट के खीर का तैयारी करते हैं। इसमें कुछ 50 ग्राम लगभग मैंने लिया है किशमिश, इसको हम फूलने के लिए देंगे। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, इसमें इसको फूलने देंगे। और ये है काजू, इतना सारा सबको निकलना है, इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करूंगी। किशमिश को फ्राई नहीं कर रही हूँ, उसे मैंने पानी डाल दिया है, तो किशमिश फ्राई नहीं करेंगे, हुआ नहीं है। लेकिन ये सुधा का शौक में ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं पेड़ा, क्योंकि मीठा बिना उनका पार नहीं होता है दिन। तो ये मिल गया तो उनको तो काफी ज्यादा खुश हुआ, कुछ उनको मीठा मिल गया। और मीठा में खीर के अलावा मैं बना रही हूँ रसगुल्ला, इसको मैं रख देती हूँ।
देखिए 30 मैंने दोनों को दे दिया है पैकेट को। इन सबको मैं फ्राई करूंगी और यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है, इसका मैं फाड़ूंगी छेना और ये बनेगा खीर और बनाना है पुलाव। खीर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और ये मेरा चावल फूल चुका है, मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया हुआ है तो इसको मैं डाल दूंगी इसमें। इसे मैं डायरेक्ट सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो ये चावल मैंने दूध में डाल दिए हैं, दूध हमारा 1 उबाल आ चुका है बस, इसे हम मिलाएंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। यहाँ मैंने 1.25 किलो इसमें दूध डाला है, 1 लीटर डाला है और इसका मैंने 1 पाव लगभग इसमें डाल दिया है। इसमें 1 लीटर 1 पाव दूध है, इसी में हमें पकाना है चावल को। तो चलिए धीरे धीरे पकाते हैं और ये मैंने डाला 2 चम्मच घी और ये मैंने घर का बना हुआ घी लिया है, काफी स्मूथ मेरा घी बना है देख सकते हैं। बनाने पाउ कर वीडियो है, हमने गैस को कर दिया ओपन। तो ये मसाला मेरा ठंडा हो रहा है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है, इसका गैस मैंने ऑफ कर दिया है और ये ठंडा हो रहा है। और यहाँ मेरा पुलाव के लिए फ्राई हो रहा है और अभी मौसम अचानक से चेंज हो गया है, देख सकते हैं इतना हवा चल रहा है, देख सकते हैं काफी तेज हवा चल रहा है, काफी तेज हवा, अचानक से अंधेरा हो गया, अंधेरा अचानक से मौसम, एक तो कोरोना ऊपर से ये मौसम अजीब सा खेल खेल रहा है। तो चलिए बनाते हैं, अपना तैयारी करते हैं।
गुड इवनिंग। अभी हो चुके हैं शाम के 7 बज चुके हैं और मेरा हालत पूरी तरह खराब हो चुका है। लंच में हम लोगों ने पूरी पुलाव और पनीर की सब्जी खाए थे, साथ में पापड़ था और सलाद में खीरा, ये सब खा लिया है। और बाकी मैंने ये सब काम करने अभी लग चुकी हूँ। यहाँ मेरा रसगुल्ला भी बन के रेडी है, परफेक्ट बना है। यहाँ पूरी के लिए मैंने आटा आधा बचा के रखा है, उसको अभी फिर छानना है। और यहाँ पे मेरे दही बड़े फूल रहे हैं और यहाँ पे बन रहा चाय। और ये रहा मेरा केक, मेरा नहीं मेरे हस्बैंड का केक। तो इस तरह दिन बीत गया। शाम को गई थी फिर दूध लाने के लिए, जो डेली का दूध आता है गाय का। तो आने के बाद कपड़ा तो चेंज करना बनता है क्योंकि बाहर निकलो तो एक डर सा रहता है। तो आने के बाद मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है, घर के ड्रेस में अभी आ गई हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अकेले करना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। ऊपर से मेरा पैर जवाब दे देता है, पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। पैर का नीचे जो हील है, हील के किनारे किनारे पूरा दर्द, इतना दर्द थका देता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम और बचा है, कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा चाय, तो चाय पी लेते हैं फिर बाकी काम करते हैं। गर्म है, यहाँ मैं एक डाल चुकी हूँ, तेल चेक कर रही हूँ। और ये दही बड़ा, ये मैंने पानी रखा है, पानी में इस तरह हाथ धुलाऊंगी और इस तरह थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। तो चलिए फटाफट दही बड़ा बना लेते हैं। ये मेरे बड़े हो चुके हैं रेडी और यहाँ मेरा पानी रेडी है, इसमें मैं डाल दूंगी डायरेक्ट। इसे हम 2-3 मिनट रखेंगे फिर सर्व करेंगे, तभी जितना खाना है उतना ही मैं डालूंगी। तो ये है मेरा दही बड़ा, एकदम परफेक्ट रेडी है। और ये है मिष्टी दोई जो मैंने कल बनाया था, अभी पानी पानी हो गया है। तो ये मेरा दही बड़ा भी रेडी है, कुछ यहाँ पे छान रहे हैं, थोड़ा बाकी है और 3-4 होंगे। और यहाँ मेरा दही बड़ा भी पक रहा है और यहाँ मेरा केक भी ऑलमोस्ट रेडी है। एक सेकेंड देख लेते हैं, तो केक भी ऑलमोस्ट रेडी है। किनारे किनारे हल्का कलर नहीं आया है, तो इसे मैं 2 मिनट के लिए और ढकूंगी बस। तो ये मेरा आज का रूटीन था, काफ़ी बिजी रहा आज का दिन मेरा। और अभी टाइम हो चुके हैं 7:30, 7:30 होने हो चुका है। हे गाइस, गुड इवनिंग।
और कल मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी। और आज है 8 मई और 8 मई को ये इवनिंग हो चुका है। मैं कल पूरा थक गई थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो सुबह से मैं अभी टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड करने के लिए थोड़ा सा ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अच्छा था कल का दिन, बिजी पूरा बिजी से बीता है, पूरा दिन किचन में रही रात तक, खूब खाए इंजॉय किए और थोड़ा अभी फ्री हुई हूँ और थोड़ा ठीक लग रहा है, तो सोचा वीडियो को एंड कर देती हूँ। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को भी बताइएगा, और आई होप सब कोई अच्छे से रहिए और अच्छे से होंगे, और अभी स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रही है। बाकी मैं दिन में एक बार बाहर जरूर जाती हूँ शाम को दूध लाने के लिए, और फिर अभी मैं जाऊँगी थोड़ा देर में, तो मैं अकेले जाती हूँ शाम पे, फटाक से लेके चली आती हूँ, आके फिर वही कपड़ा वपड़ा चेंज करो, नहाओ, फिर सब जगह स्प्रे करो सैनिटाइजर से, या फिर आप तो प्लीज़ इस लॉकडाउन में अच्छे से रहिए, अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए, हंसी खुशी से सब रहिए। बहुत ही टेंशन वाला माहौल चल रहा है पूरा दुनिया में, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो अच्छे से रहिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ, ज़्यादा और नहीं बोलूँगी, मुझे बाहर भी जाना है। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन मिलता है ना उसको भी हिट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू।